गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 27, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ नए और कुछ पुराने टॉपिक्स करने वाले हैं। कुछ एमसीक्यूज भी आज हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं, कल वाले एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। और आज सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो रहेगा एमरजेंसी के बारे में। दूसरा टॉपिक रहने वाला है बाईपोल्स के बारे में, क्योंकि देश में कई जगह बाईपोल्स हो रहे थे। बाईपोल्स क्या होते हैं, इसके लिए कौन कौन से प्रोविजन होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है गुजरात राइट्स के बारे में कुछ बात कही है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। दो लाइन का टॉपिक है। अबॉर्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ये एक्चुअली रिपीटेड टॉपिक है, पहले हम इसको अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे उस समय नहीं जुड़े हुए थे, नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक हो जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक ये अभी बैन होने वाला है 1 जुलाई से, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इंडिया में कौन कौन से रूल्स हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके, और सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। G7 एंड चाइना, इसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। और यहां से एक्चुअली एक इंडियन एक्सप्रेस से भी जो है एक मैंने छोटा सा आर्टिकल उठाया है। आज इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में कुछ खास आया नहीं था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा टॉपिक यहाँ से उठाया है। न्यू वीपीएन रूल्स, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये भी एक्चुअली एक रिपीटेड सा टॉपिक है, थोड़ा इसको जानने की कोशिश करेंगे। MSMEs एंड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो ये है एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन, तो यहाँ से हम लोग एक मेंस के लिए अपना आंसर भी बना सकते हैं। देन वी हैव सम एमसीक्यूज एंड एडिशनल आर्टिकल ऑल्सो, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी 3rd of July से सेकंड फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है। जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज वगैरह करके पूरा डिटेल ले सकते हो। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके फिलअप करिए और पूरी जानकारी और सब कुछ आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है बहुत जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया है, पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। आपका डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है, क्विज होते हैं, वीकली क्विज होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, एडिशनल आर्टिकल आपको दिए जाते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप प्रोग्राम, बहुत कुछ यहाँ पे है। तो आप इस नंबर पे जो है मैसेज वगैरह करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन एक बार देखते हैं आज के फ्रंट पेज पे क्या है। द शिंदे मूव्स सुप्रीम कोर्ट, उद्धव कैंप वर्सेस रेबल विल बी डिस्क्वालीफाइड। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके बारे में हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से डिटेल में बात किया था एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अगर किसी ने वो आर्टिकल नहीं देखा है, कल का न्यूज एनालिसिस नहीं सुना है, तो कम से कम मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ वाला आप पोर्शन जो है जरूर सुनिए, आपको पता चलेगा उसका मतलब क्या होता है, उसका मिसयूज कैसा होता है, उसकी रेलिवेंसी क्या है, वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा। हाँ, एसपी लूजेस इट्स आजमगढ़ आरामपुर बेसिन ऑफ द बाईपोल्स, इस बाईपोल्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आज थोड़ा सा। पहले आर्टिकल ये देख लेते हैं, चाइना अपग्रेडेड फायर पावर ऑन LAC, LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जब से भैया 2020 से इंडिया और चाइना के बीच में जो इशू चल रहा था, तब से लेके आज तक चाइना ने अपने वहां पे बॉर्डर एरिया में 50 से 100 किलोमीटर के बीच में अपनी जो है पूरा डिफेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा इंक्रीज कर दिया है। पहले जब वहां पे 20,000 के सोल्जर लगभग हुआ करते थे, आज वहां पे 1.5 लाख से भी प्लस सोल्जर हैं चाइना के। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने वहां पे लॉन्ग रेंज आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी एस्टेब्लिश कर दिया है, राइट। और भी बहुत सारे जो है लाइट जिसे हम लोग एंटी टैंक मिसाइल्स वगैरह बोलते हैं, वो सब वहां पे डाल दिया है। और इवन उन्होंने वहां पे कई सारे हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स भी छोटे छोटे बना दिए हैं LAC के आसपास में, और सोलर एनर्जी का वो लोग यूज कर रहे हैं ताकि विंटर में सस्टेन कर सकें। ठीक है, समर में सस्टेन करना दिक्कत नहीं है, विंटर में वहां पे टेम्परेचर जो है -30 -40 तक चला जाता है, तो उस समय सोल्जर्स को वहां पे रिटेन करना बहुत बड़ी बात है। तो चाइना उस सभी के लिए वहां पे चीजें कर रहा है। और देखिए सीधी सी बात यार, एक तरफ आप ब्रिक्स की मीटिंग कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमें साथ में मिलजुल के काम करना है, दूसरी तरफ आप जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो मतलब जुबान पे कुछ हो रहा है, नियत में कुछ हो रहा है ना, बगल में छुरी मुंह पे राम राम, तो ऐसा कुछ है चाइना का। इसलिए चाइना पे भरोसा कोई भी नहीं करता, सिर्फ इंडिया ही नहीं, कोई भी देश चाइना के ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है चाइना जो है पीछे से आगे कमर में चाकू घोंपने वाला देश है, ये बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है, तो बाईपोल्स के बारे में छोटा सा आर्टिकल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसको तो नहीं करेंगे अभी, हम लोग बाईपोल वाला करना था। ठीक है, देखिए बाईपोल के बारे में आपको छोटा सा बताता चलूं कि बाईपोल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, हाँ ये रहा हमारा आर्टिकल। तो एक्चुअली अभी आजमगढ़ में, रामपुर में, दिल्ली में, राजेंद्र नगर वगैरह में जो है बाईपोल्स चल रहे थे कई जगह पे। तो कोई कौन कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी हारी, इसका हमें कोई खास मतलब नहीं है। हाँ, बाईपोल होता क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या काम आता है। देखिए जब कोई सीट वेकेंट हो जाती है,
पांच साल से पहले, ठीक है, पांच साल का तो टेन्योर होता है ना, पांच साल से पहले अगर कोई सीट वैकेंट हो जाती है, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, जैसे मान लो कोई आदमी है, कोई लेजिस्लेचर है, वो दो जगह से इलेक्शन लड़ा, जैसे मोदी जी ने दो जगह से इलेक्शन लड़ा, राहुल गांधी तो खैर दो जगह से लड़ा, एक जगह से हार गए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक सीट आपको छोड़नी पड़ती है क्योंकि आप एक ही जगह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकते हो, तो दूसरी जगह जो आपने छोड़ी है वो वैकेंट हो जाती है। कई बार जो है बीच में किसी की डेथ हो जाती है तो वैकेंट हो जाती है, कई बार किसी के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो वो भी वैकेंट हो जाती है। कई सारे रीजन हो सकते हैं किसी भी सीट को वैकेंट होने के। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि जब सीट वैकेंट हो जाती है, वहां पे इलेक्शन जब होते हैं, उसको कहा जाता है बाई पोल्स। इसे बाई इलेक्शन कहा जाता है फॉर्मल टर्म में, ठीक है, स्पेशल इलेक्शन भी कह सकते हो, और नॉर्मल टर्म में इसको हम लोग बाई पोल कह के यूज करते हैं, ठीक है। ये जो अब ये लेजिटिमेट होता है पूरी तरह से, हमारा जो आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1956, इसके तहत जो इसको बाई इलेक्शन टर्म का यूज किया गया है, बाईपोल टर्म का यूज नहीं किया गया। याद रखो, बाईपोल सिर्फ बोलने में यूज होता है, इनफॉर्मली, फॉर्मली बाई इलेक्शन वर्ड का यूज होता है, ठीक है। कहता है जैसे मान लो पांच साल का टेन्योर था भैया, और ढाई साल में ही जो है वो सीट वेकेंट हो गई, तो जो नए लेजिस्लेचर वहां पर इलेक्ट होके आएंगे तो वो पांच साल नहीं रहेंगे, वो रिमेनिंग पीरियड जो होता है ना उसमें रहने वाले हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा अपने ध्यान रखना है। उसके अलावा कहता है देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको पूरी तरह से कंडक्ट करवाता है। By election refer to such elections that are conducted to fill the previous elected offices, जो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जो कि वेकेंट हो चुका है। आरपी एक्ट के अंदर हमारे पास जो है सेक्शन 151A है, जो इसके बारे में बात करता है कि कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। जब वो सीट वेकेंट हो जाती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही आपका वहां पे इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, जब वो सीटें वहां पे होती हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं बाई इलेक्शन के बारे में, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बाकी लक्ष्मीकांत वगैरह में बहुत अच्छे से डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है, आप उसको भी वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है शुड नेवर फॉरगेट ड्रेडफुल पीरियड ऑफ इमरजेंसी। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इस न्यूज को हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि मोदी जी ने क्या कहा, क्यों कहा, कहां कहा। हाँ, उन्होंने इमरजेंसी के बारे में बात किया कि इमरजेंसी जो है वो हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत ही काला अध्याय था, ब्लैक चैप्टर था। इवन थोड़े समय पहले राहुल गांधी जी ने जो है उसके लिए अपोलोजाइज भी किया था, ये कहा था कि इमरजेंसी एक मिस्टेक था जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, वो एक अलग चीज है। हाँ, इमरजेंसी क्या है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, है ना, वो हमें जो अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से पता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से डिटेल में मेंशन किया गया है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन तरह की इमरजेंसी के बारे में बात कही गई है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब जिसमें जिसको हम लोग जो है प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं बेसिकली, है ना, उसके बारे में बात करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी वो सेपरेट रह जाती है, और एक होती है हमारे पास नेशनल इमरजेंसी, जिसे यूजली तौर पर हम लोग इमरजेंसी के नाम से बोलते हैं, जो कि इंदिरा गांधी ने लगाई थी। हम इस आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, हर चीज मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है क्योंकि वो लक्ष्मीकांत में बहुत डिटेल में टॉपिक हो जाता है, आप जो उसको जाके कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लक्ष्मीकांत वगैरह पहले पढ़ा है, अपनी पॉलिटी के बेसिक चीजें कवर की, एनसीईआरटी वगैरह, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो इमरजेंसी वाला प्रोविजन है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल नहीं है ना, हम लोगों ने दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, उनके अंदर जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी उनको हम लोगों ने अडॉप्ट किया, कई सारी चीजों को एज इट इज अडॉप्ट किया, और कई सारी चीजों को जो है मॉडिफाइड रूप में हम लोगों ने अडॉप्ट किया, जो कि हमारी सोसाइटी के हिसाब से हमें लगता था कि हमें सुटेबल करेगा वो। तो ये कहां से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताओ। तो हमारे यहाँ पे जो पार्ट देखे 18 है, पार्ट 18 वो इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात करता है, आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 के बीच में पूरे इमरजेंसी के प्रोविजंस यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या कहता है, इमरजेंसी लगाई क्यों जाती है, उसके वजह कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सोवरनिटी की जब बात आती है किसी देश की, हमारे देश की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, उस समय हम लोग इमरजेंसी को लगा सकते हैं, राइट। कौन कौन सी कंडीशंस होती है इमरजेंसी को लगाने के लिए, वो तो बेसिक सी कंडीशन थी। तो यहाँ पे दो तरह के इमरजेंसी की बेसिकली बात कही गई है। पहला है हमारा जो आर्टिकल 352 बात करता है, बेसिकली एक्सटर्नल अग्रेशन की बात करता है और आर्म्ड रिबेलियन की बात करता है। एक्सटर्नल अग्रेशन आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लो चाइना से पाकिस्तान से हमारा वॉर होता है, कोई एक्सटर्नल कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर देती है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल अग्रेशन। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब होता है जब हमारे देश के अंदर ही, जब सरकार के खिलाफ में, जब सिस्टम के खिलाफ में लोग हथियार लेके रिबेल कर देते हैं,
ठीक है, मतलब उसको हम लोग कहते हैं आर्म्ड रिबेलियन। प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी को। अब आप ये समझ लीजिए कि इमरजेंसी को डिक्लेयर होने के लिए एक्चुअली में आर्म्ड रिबेलियन और वॉर होने की जरूरत नहीं है। इवन वॉर होने से पहले और आर्म्ड रिबेलियन होने से पहले भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, जब सरकार को लगता है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, मान लो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन चल रही है और ये हमें पता है कि भैया 100% लड़ाई होने ही वाली है, तो एक्चुअली लड़ाई होने से पहले भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, एंड सेम फॉर द आर्म्ड रिबेलियन एज वेल। तो ये दोनों चीजें यहां पे काम करती हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि हम लोगों ने वॉर टर्म का यूज नहीं किया, एक्सटर्नल एग्रेशन वर्ड का यूज किया है। इसे हम लोग एक्सटर्नल इमरजेंसी भी बोल देते हैं और नॉर्मल तौर में इसको इमरजेंसी भी बोल देते हैं। ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। बात यह है कि जब इंडिया में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी, उस समय कोई एक्सटर्नल वॉर हमारा किसी कंट्री के साथ नहीं चल रहा था। तो आर्म्ड रिबेलियन का यूज करके उन्होंने जो है उसको यूज किया। हालांकि इंडिया में आर्म्ड रिबेलियन नहीं हुआ था, बट स्टिल फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। आपको पता है उस समय, देखिए हम लोग पैदा नहीं हुए थे, लेकिन यूट्यूब वगैरह पर अगर आप न्यूज आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे तो उस समय देश में करप्शन और वो सब बहुत बड़े लेवल पे होता था। तो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जो है लोग बहुत नाराज थे हद से ज्यादा, और भी बहुत सारी चीजें की गई थी उस समय पे। तो लोग सड़कों पे थे हजारों लाखों की संख्या में, तोड़फोड़ हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी। तो सरकार ने कहा कि ये एक तरह का आर्म्ड रिबेलियन है और इंटरनल अग्रेशन है, तो इसीलिए सरकार ने उसमें इमरजेंसी लगा दिया गया था। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, जनता गवर्नमेंट की सरकार आई थी, तो इन्होंने कहा इस आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को उन्होंने यूज जो है, बिफोर दिस टर्म इट वाज नोन एज द इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड का यूज किया जाता था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हम लोग इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन जब 1978 में जनता गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि भैया इंटरनल इमरजेंसी तो बहुत छोटी सी टर्म है ना यार, उन्होंने इसको आर्म्ड रिबेलियन के साथ रिप्लेस कर दिया कि एक्चुअली में जब लोग सड़कों के ऊपर हथियार लेके आएंगे तब आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो। अगर कहीं की रैली हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम लेके आप इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। बेसिकली इमरजेंसी के जो प्रोविजंस थे उनको और ज्यादा सख्त बना दिया गया इन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। इंदिरा गांधी के दौरान ही समय में 38th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा प्रोविजन डाल दिया गया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के अंदर उसको भी खत्म कर दिया गया। इसका मतलब इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है तो कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू उसका कर सकता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी होता है ना, जो कि केशवानंदा भारती केस के अंदर उन्होंने डाला था। मिनर्वा मिल केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भैया नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर होती है और अगर उसका ग्राउंड मैलाफाइड होता है, मतलब सरकार की नीयत ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, और इमरजेंसी को दोनों हाउसेज के द्वारा अप्रूव करना पड़ता है। ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर होने के एक महीने के अंदर अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है, और हर 6 महीने के बाद उसको दोबारा से डिक्लेयर करके आप उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए डिक्लेयर कर सकते हो। इमरजेंसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हर 6 महीने के बाद आपको दोबारा से अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट का, ये बेसिकली बात कर रहा है। लेकिन इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए, खत्म करने के लिए आपको कोई दोनों हाउसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, प्रेसिडेंट सीधा उसको रिवोक कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए भी परमिशन तो लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हाँ कुछ हमारा थोड़े बहुत प्रोविजन इमरजेंसी के बारे में। सारी चीजें मैंने इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया क्योंकि पॉसिबल नहीं है सीधा सा न्यूज़पेपर एनालिसिस में, वो आप लक्ष्मीकांत में जाकर उसको अच्छे से डिटेल में पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी में बार बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो दो सवाल हम लोगों ने यहाँ पे इमरजेंसी के प्रोविजन के बारे में पूछे हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। तो दो प्रोविजन हमारे यहाँ पे हैं और दोनों को जो है आपने करना है। आपको जो है पढ़ के जो है सेम से ही टॉपिक लग रहे होंगे, लेकिन थोड़े से अलग क्वेश्चंस हैं, ओवरलैपिंग काफी ज्यादा है, बट स्टिल स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। थोड़े से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, थोड़ा समय आपको जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आपने पहले से लक्ष्मीकांत वगैरह के अंदर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा जाकर इसको जाके आंसर कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों जो आता है वो आता है इनएक्शन डज नॉट इम्प्लाई कॉन्स्पिरेसी। तो कुछ खास टॉपिक नहीं है, बेसिकली 2002 में जो गुजरात के अंदर जो राइट्स हुए थे तो वहां पे जो है कोर्ट के अंदर ये फाइल किया गया था केस के ये जो है लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी।
लार्जर कॉन्स्पिरेंसी का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से इन राइट्स के अंदर इन्वॉल्व थी, पूरा सीएम से लेके होम मिनिस्टर तक हर कोई उसके अंदर इन्वॉल्व था, लार्जर कॉन्स्पिरेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, अगर कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी करने में नाकामयाब रहता है या फिर किसी स्टेट के अंदर इधर उधर कोई लॉ एंड ऑर्डर अगर हाथ से निकल जाता है, इसे हम लोग लार्जर कॉन्स्पिरेसी नहीं बोल सकते, क्योंकि जहां जहां पे राइट्स हुए थे वहां के पे कई जगह पे तो जो पुलिस थी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, कई जगह पे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो जहां के जो आईपीएस ऑफिसर वगैरह थे, जो डीएम वगैरह थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा अगर किसी खास जगह पे कोई आईपीएस ऑफिसर या कोई डीएम वगैरह पुलिस अगर वो काम नहीं कर पाती है, उनके हाथ से चीजें निकल जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, वो स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है ना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भैया एविडेंस प्रोवाइड कराइए ना। एक्चुअली तो एविडेंस प्रोवाइड कराने का जो पूरे का पूरा बर्डन है वो किसके ऊपर है, उसके ऊपर है जिसने वो एप्लीकेशन फाइल की है ना। ये स्टेट का काम नहीं है कि हम लोग अप्रूव करेंगे, नहीं, ये जिसने आरोप लगाए हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली कुछ कुछ बातें उन्होंने यहाँ पे बोली हैं, तो कोई खास आर्टिकल ऐसा सच नहीं है पढ़ने लायक। हाँ, लेकिन एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो है कम्युनलिज्म जो है आप वो सब यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ सकते हो, तो हमारे जीएस का पार्ट है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडियन लॉज ऑन अबॉर्शन, ये टॉपिक हम लोग पहले काफी अच्छे से कर चुके हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में स्लाइड मैंने यहाँ पे आपको इंक्लूड कर रखी है कि जो अलग अलग कंट्री में जो अबॉर्शन लॉज हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड, पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है ना, परमिटेड टू सेव द वीमेंस लाइफ अलग अलग कंट्री में है, परमिटेड टू प्रिजर्व द हेल्थ यहाँ पे देख लीजिए, परमिटेड बेस्ड ऑन द ब्रॉड सोशल एंड द इकोनॉमिक ग्राउंड्स ऑन रिक्वेस्ट। तो ये पांच कैटेगरी बनाई गई है और अलग अलग देशों में अलग अलग लेवल पे अबॉर्शन को अलाउ किया जाता है, वो थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडिया में अबॉर्शन को लेके बेसिकली 1971 में सबसे पहले कानून बनाया गया था, अभी 2021 के अंदर उसके अंदर जो है हम लोगों ने जो है अमेंडमेंट किया है। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है, आप उसको यहाँ पे जाकर डेफिनेटली पढ़ सकते हो। तो 1971 वाला जो एक्ट था उसके अंदर जो है 20 हफ्ते से पहले अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन पे अबॉर्शन करवाया जा सकता था, अभी हम लोगों ने 20 हफ्ते को बढ़ा के 24 वीक कर दिया है, राइट। 1971 में आपको सिर्फ एक डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ती थी, अभी आपको दो डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी बात ये, 1971 वाले एक्ट में जो है अनमैरिड वुमेन को अपने परमिशन लेनी पड़ती थी पेरेंट्स की, ठीक है, या फिर स्पाउस की, अपने हस्बैंड की। 2021 वाले में हम लोगों ने उस प्रोविजन को भी यहां से निकाल दिया है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें जो है हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड की हैं, कुछ चीजें हम लोगों ने रिमूव कर दी हैं, वो थोड़ा आप जाके देख सकते हो। तो वो देखिए प्रोविजंस वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, कंसेंट ऑफ गार्जियन वाज रिक्वायर्ड इन 1971, अनमैरिड वुमन नहीं कर सकती थी, हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो वो कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। इसके अंदर बहुत सारे इशूज भी हैं जो आप डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हो, थोड़ा इसको हम लोग जो है आर्टिकल के अपने यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्चुअली यहीं से करेंगे, वो तो मैंने आपको पुरानी स्लाइड को ऐसे ही डाल दिया था वहाँ पे, पुरानी स्लाइड है वो बेसिकली। हाँ, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हाउ डिड द अबॉर्शन लॉ केम अबाउट इन इंडिया। तो 1960s में जो है शांतिलाल शाह कमेटी, ध्यान रखो शांतिलाल शाह कमेटी की रिकमेंडेशन पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 आया था। इससे पहले क्या होता था, कैसे पहले हमारे पास अबॉर्शन लॉ कुछ प्रोविजन थे कि नहीं थे? यस थे, इंडियन पीनल कोड में हमारे पास ऑलरेडी 312 और 313, ये दो सेक्शन ऑलरेडी हमारे पास थे। ये क्या कहते हैं, सेक्शन 312 कहता है ऑफ आईपीसी, अ पर्सन हु वॉलंटरली कॉजेज अ वीमेन विद चाइल्ड टू मिसकैरी इज लायबल फॉर द पनिशमेंट। ऐसा कोई आदमी जो जबरदस्ती जो है वीमेन को चाइल्ड मिसकैरेज करने के लिए प्रमोट करता है तो उसको जो है 3 साल की हम लोग सजा दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप गुड फेथ में करते हो, उसकी लाइफ सेव करने के लिए करते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर जबरदस्ती करवाते हो बिना कंसेंट के तो आपको 3 साल की सजा मिलेगी। सेक्शन 313 क्या कहता है, 313 कहता है कि अगर आप बिना कंसेंट के जबरदस्ती करवाते हो मिसकैरेज तो आपको 10 साल की सजा और लाइफ मतलब 10 साल की सजा भी हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो 1971 और 2021 वालों को थोड़ा आपको मैंने बता ही दिया है ना, वो वीक वगैरह उन्होंने चेंज कर दिया, दो डॉक्टर की परमिशन लेना वो मैंडेटरी कर दिया है, वो सारी सारी चीजें। तो ये तो रिपीटेड सी चीज इन्होंने यहाँ पे कही है। व्हाट इज द एमटीपी एक्ट 2021, ऑलरेडी बात वो बार बार घुमा फिरा के यही कर रहा है।
हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके बेसिस पे आप अबॉर्शन करवा सकते हो। अगर आपकी लाइफ को रिस्क है तो आप करवा सकते हो, अगर आपको ज्यादा बड़ी इंजरी हो गई है, वीमेन की जो फिजिकल मेंटल हेल्थ अगर वो ठीक नहीं है आप करवा सकते हो, या फिर जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को बहुत ज्यादा डेंजर है पैदा होते ही तो उसको केस में आप करवा सकते हो, या फिर किसी वीमेन का सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, रेप हुआ है, इंसेस्ट हुआ है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है उस केस में आप करवा सकते हो, या फिर वो जो औरत है, बच्चा है, वो माइनर है ना, तो आप उसमें करवा सकते हो, या फिर बीच में उसका मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया है, मतलब जैसे जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो वो मैरिड थी और बीच में जब वो बीच जो है वो विडो हो गई या उसका डिवोर्स हो गया, उस वो भी एक कंडीशन हो सकती है, करवा सकते हो। तो ये जैसे आपका जो फीटल है वो माल फंक्शन होता है, उस माल फॉर्मेशन होती है, जो बीच में पेट में जो बच्चा होता है उसके अंदर डिफॉर्मिटी वगैरह होती है, उस केस में थोड़ा बहुत आप करवा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड की हैं। अनमैरिड वीमेन कैन ऑल्सो एक्सेस, है ना, अभी आपको बता दिया है कि उसके लिए स्पाउस की कंडीशन कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, तो अगर आप माइनर हो और वो सब आप करवा, हाँ माइनर हो तो आपको गार्जियन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर कोई माइनर है, अगर 16-17 साल की एज है, प्रेग्नेंट अगर वो वीमेन हो जाती है तो जरूरी नहीं उसको पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़े, हाँ उसके पास गार्जियन जरूर होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे कही हैं। हैव देयर बीन जुडिशियल इंटरवेंशन इन द केस ऑफ अबॉर्शन, देखिए यहाँ पे जो है, जब हम लोगों ने केसी जो है केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था, उस समय में प्रेगनेंसी की बात भी कही गई थी। क्या कही गई थी, कहा था कि जो वीमेन होती है अगर वो बच्चा कंटिन्यू करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, ये उसका राइट टू प्राइवेसी है, और ये आर्टिकल 21 के अंदर में आता है राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, तो इसका मतलब वीमेन की बॉडी के ऊपर वीमेन का पूरी तरह से अधिकार होना चाहिए, ऐसा उसके अंदर कहा गया था, ठीक है। और इसी केस में इंडिया में बहुत सारी पिटीशंस डाली गई, इस समय जो है 243 पिटीशंस वगैरह लगभग पेंडिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और अभी एक लेटेस्ट केस हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें जो है एक 37 ईयर की एक वीमेन थी जिसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया, इसके बावजूद के वो 34 वीक की प्रेगनेंट थी। ऐसा इंडिया में पहला केस हुआ है कि इतने लंबे समय, मतलब 24 वीक लास्ट परमिशन का होती है ना, तो ये 10 वीक एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी थी उसके बावजूद भी कर दिया गया, तो इंडिया में अभी तक का ये ऐसा पहला केस है जिसमें इतने लंबे समय के जेस्टेशन पीरियड में जो है मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया है, क्योंकि उसके जो फीटस था, जो पेट में बच्चा था, है ना, उसको काफी ज्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थी, तो ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी बात है। क्रिटिसिज्म भी जो है इसका बहुत बार जो है किया जाता है। पहली बात तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो ये है कि नए कानून के तहत डॉक्टर की परमिशन के बिना आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते, लेकिन सरकार ये खुद कहती है कि रूरल इंडिया के अंदर 70% जो है वो डॉक्टर्स की कमी है, वैकेंसी है, और भैया ये कोई आम डॉक्टर नहीं होते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट होने चाहिए, उनकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन गांव में भैया औरत कहां जाएंगी डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट के पास जब उनके पास एक्सेस ही नहीं है, तो इसी वजह से जो औरतें हैं गांव में वो मजबूर हो जाती हैं इलीगल तरीके से अबॉर्शन करवाने को लेके, क्योंकि लीगल तरीके से आप जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास डॉक्टर की परमिशन ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, और इसकी वजह से अनसेफ होती है कंडीशंस, और इंडिया में जो है 8 लाख के लगभग जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे कही हैं, जिसको जाके आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है, वो है इंप्लीकेशन ऑफ द इंडियाज न्यू वीपीएन रूल। रिपीटेड सा टॉपिक है, पहले हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए वीपीएन का मतलब होता है कि जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे मान लो आपने लैपटॉप वगैरह से आपने कोई साइट ओपन किया, कोई भी वेबसाइट ओपन किया, आपने नेटफ्लिक्स ओपन किया, ठीक है। अब वो नेटफ्लिक्स जब ओपन होगा तो इंडियन सर्वर के ऊपर ओपन होगा, ऑब्वियस सी बात है, और उस नेटफ्लिक्स के आपके ऊपर जाके आपको सिर्फ उन्हीं एपिसोड को मूवीज को देख सकते हो जो कि इंडिया में अलाउड हैं। आप जब अमेरिका में जाके नेटफ्लिक्स ओपन करोगे ना तो वहां पे अलग ही एपिसोड नजर आते हैं, इंडिया में अलग हैं, यूके में अलग हैं, ठीक है। लेकिन वीपीएन क्या करता है, वीपीएन जो है आपके आईपी एड्रेस को चेंज कर देता है। आईपी एड्रेस मतलब जो आपके लैपटॉप का एड्रेस होता है। तो अगर आप वीपीएन नेटवर्क का यूज करते हो तो इंडिया में बैठे बैठे आप अमेरिकन सर्वर, ब्रिटिश सर्वर, ऑस्ट्रेलियन सर्वर को यूज कर सकते हो, वो सारे प्रोग्राम देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर जो वो अमेरिका में आते हैं। इसे कहते हैं वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बेसिकली इसमें कोई आपकी लोकेशन ट्रेस कर ही नहीं पाता, आप बैठे हुए इंडिया में हो लेकिन आपकी लैपटॉप की लोकेशन दिखाता है नेदरलैंड में,
आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, इसीलिए जो है इसको वीपीएन बोलते हैं। इसका तो बोलोगे सर इसका यूज क्यों करते हैं, मैं तो इसका यूज नहीं करता, आप भी नहीं करते हो, क्योंकि हम लोग ऐसी एक्टिविटी करते ही नहीं है। हाँ, जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं या कुछ जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, जो अपनी लोकेशन को छुपाना चाहते हैं, वो लोग वीपीएन का यूज करते हैं। तो सरकार ने भी ऐसे रूल बना दिया कि मतलब रूल बना दिया, भी रूल आने वाला है। तो उन्होंने कहा कि जो भी कंपनियां जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, उनको अपने कस्टमर का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा 180 डेज के लिए। 6 महीने तक आपको उन कस्टमर की लिस्ट को रखना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कह दिया है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि जिनका बाकी जो डेटा है, जो नॉन पर्सनल डेटा होता है, वो आपको 5 साल के लिए स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पर्पज से कभी भी आपको डेटा मांग सकती है। तो भैया फिर वीपीएन का पूरा पर्पज ही डिफीट हो गया। अरे वीपीएन का पर्पज ही है आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, तो फिर वीपीएन का पर्पज ही पूरा खत्म हो गया। तो ये वीपीएन वाली जो कंपनियां हैं इंडिया में जो काम करती हैं, इस समय उनके पूरे बीच में पूरी हलचल हो गई है, क्योंकि इनका जो पूरे का पूरा सर्वर होता है वो लोकल सर्वर होता है। तो ये क्या करेंगी, अभी इंडिया से अपने सर्वर को आउटसाइड इंडिया शिफ्ट कर देंगी, तब इनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। एक कंडीशन यहाँ पे वो सरकार ने रखी है, अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई साइबर अटैक होता है तो उसको 6 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 6 आवर्स में ही जो है वो सरकार को जो है इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, और उनको अपने कस्टमर का डेटा भी देना पड़ सकता है। तो ये तो हो गया पूरा वीपीएन सर्विसेज के बारे में, ठीक है। इसकी वजह से जो है वीपीएन सर्विसेज, अब वो जब सर्वर को आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट करेंगी, कितने लोगों की जॉब्स उसमें जाएंगी नहीं जाएंगी, वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन ये बात है अलग है कि अगर आप वीपीएन को पे इस तरह के काम करोगे तो डेफिनेटली हमारा जो आईटी सेक्टर है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगी बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन सरकार ने साफ साफ बोल दिया है, अगर आपको इंडिया में ऑपरेट करना है तो हमारे कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स की रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब कस्टमर का रिकॉर्ड रखने का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे रिकॉर्ड मांगेंगे। हाँ, किसी एमरजेंसी वाले केस में हम आपसे पर्टिकुलर रिकॉर्ड मांग सकते हैं। तो ऐसा बेसिकली उन्होंने कहा है, ठीक है। तो ये तो पूरा थोड़ा वीपीएन के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और भैया 1 जुलाई से हिमाचल प्रदेश जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैक बाई करेगा, मतलब अपने स्टेट के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए हैं, ऐसी कुछ स्कीम बना दी है जिसमें अगर आप प्लास्टिक को कलेक्ट करते हो तो आपको जो है सरकार जो है वहां पे बेनिफिट दे सकती है। जैसे मान लो इन्होंने स्कूल के अंदर ये बेनिफिट चलाया, जो स्कूलों में वहाँ पे इको क्लब्स होते हैं, है ना, हमारे स्कूल के अंदर भी इको क्लब था, वहाँ के जो कॉलेज वगैरह में जो इको क्लब्स होते हैं, जो नेशनल ग्रीन कोप्स प्रोग्राम वगैरह वहाँ चलाया जाता है, तो उनसे जो है वो प्लास्टिक को कलेक्ट करेंगे। अगर आप 1 किलो प्लास्टिक अगर आप कलेक्ट करते हो तो आपको 75 रुपीज मिलते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम सरकार चलाएगी। मतलब 2 चीजें यहाँ पे हैं। पहला चीज ये है कि आपको प्लास्टिक जनरेट नहीं करनी है। दूसरी चीज ये है कि जो प्लास्टिक ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है उसको कलेक्ट करना है, उसको रिमूव करना है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे की गई हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक काफी ज्यादा न्यूज में पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। तो पर कंट्री के हिसाब से, अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सिंगल प्लास्टिक यूज होती है, मतलब जनरेट करते हैं वो लोग। यूनाइटेड स्टेट्स में करते हैं, साउथ कोरिया में करते हैं। इंडिया जो है बहुत नीचे, बहुत लोअर नंबर पे आता है। आई थिंक 100 कंट्री में से 96 लेवल पे इंडिया आता है, तो पर कैपिटा के हिसाब से। लेकिन अगर ओवरऑल के हिसाब से बात करेंगे एब्सोल्यूट टर्म में, तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट जो है सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं। खैर ये बात अलग है। 2019 के अंदर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके, माइक्रोबीट्स वगैरह को लेके सवाल पूछा गया था। ये यूपीएससी का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है, जाके जल्दी से इसका आंसर करिए। कल जो है हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे जो है एक्सपेक्ट करता हूँ कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लोगे, ठीक है। उसके अलावा इंडिया में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके जो है कई सारे रूल बनाए गए। 2016 में भी हम लोगों ने रूल बनाया था, और उसको हम लोगों ने अभी 2021 के अंदर अमेंडमेंट किया है। और 1 जुलाई से, अभी मतलब आज जो है 27 तारीख हो गई है, 2-4 दिन और बचे हुए हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इंडिया में बैन हो जाएगी पूरी तरह से। क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होगा? प्लास्टिक जो स्टिक्स होती हैं, ईयरबड्स होते हैं, बलून्स वगैरह होते हैं, प्लास्टिक फ्लैग्स होते हैं, कैंडी स्टिक्स होती हैं, आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे
बैन करने वाले हैं, ठीक है। फिर धीरे 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 जो है हम इसी बैन को और चीजों के अंदर भी इंक्लूड करेंगे, जैसे इसी साल जो है सितंबर 30 तक जो पॉलीथीन के जो बैग्स होते हैं है ना, जो 75 माइक्रोन से कम उनकी जो थिकनेस होती है उसको हम लोग बैन करेंगे। फिर दिसंबर 31, 2022 तक, मतलब लास्ट दिन, हम लोग जो है ऐसे बैग्स को भी बैन कर सकते हैं जिनकी थिकनेस 120 माइक्रोन होगी। धीरे धीरे बेसिकली हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को इंडिया से पूरी तरह से बैन करने वाले हैं। ये जो है यहाँ पे पूरा एक सॉल्यूशन बनता है। माइक्रोप्लास्टिक भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो भी जाके आप जरूर करिए। G7 proposes 600 billion global infra plan to rival China. देखिए, चाइना का अपना प्रोग्राम है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए अभी G7 कंट्रीज ने अपना 600 बिलियन डॉलर का एक प्रोग्राम जो है यहाँ पे बेसिकली प्रपोज किया है, ठीक है। ये अलग अलग कंट्री में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, लेकिन ये चाइना के प्रोग्राम की तरह मतलब ये काफी ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। चाइना जब भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर किसी कंट्री के साथ डील करता है तो काफी सारी चीजें वहां पे सीक्रेट डील्स होती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो चाइना है भैया, वो तो चाइना अपने हिसाब से काम करेगा, इंडिया जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपने हिसाब से काम करती हैं। तो G7 की बेसिकली मीटिंग जो है जर्मनी वर्मनी में हो रही है, इंडिया भी वहां पे गया है, उसको भी इन्वाइट किया गया है ना, एज एन ऑब्जर्वर इन्वाइटी के तौर पे। तो वो कुछ कुछ चीज़ आप यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ सकते हो। G7 के बारे में ऑलरेडी हम लोग आपसे डिस्कशन कर चुके हैं, 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो दुनिया की 7 सबसे बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और USA वगैरह, वो इसका पार्ट हैं, ठीक है। G7 इंडिया इसका जो है पार्ट नहीं है, लेकिन जो है हम लोग G20 का पार्ट हैं, तो ये सारे के सारे G7 कंट्री G20 का पार्ट भी हैं। तो थोड़ा सा जो एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको उठाया है। तो G7 के बारे में मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है जो ऑलरेडी हम लोगों को पता है, लेकिन इसकी शुरुआत एज अ G7 नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी एज अ G6, ठीक है, एज अ G6 इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 1976 में इसको कनाडा में भी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है, पहले कनाडा इसका पार्ट नहीं था, ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। तो पोर्टो रिको में जो मीटिंग हुआ था वहां पे हमने इसको ऐड किया था। फिर बाद में जो है 1998 में रशिया में को भी इसमें ऐड कर दिया गया, तो उस समय ये बन गया G8। पहले ये G6 था, फिर बना G6 से G7 और फिर बना G8। फिर जब 2014 में यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, क्रीमिया के ऊपर अटैक किया, तो भैया रशिया को यहां से निकाल दिया, ये G8 से दोबारा से G7 बन गया, ठीक है। और ये जो G7 कंट्री होते हैं काफी पावरफुल कंट्री होती हैं, दुनिया का जो 10% पॉपुलेशन इनके पास होता है, 31% GDP इन कंट्री के पास है, और टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का 21% ये कंट्री जो है एमिट करती है। इंडिया चाइना इसका पार्ट नहीं, ये कुछ कुछ चीज जो है थोड़ा हिस्ट्री जो है आपको पता होनी चाहिए। इंडिया के अलावा इसमें जर्मनी के अंदर जो मीटिंग चल रही है, अर्जेंटीना को, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका को भी वहां पे इंक्लूड किया गया है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनको जो है भी इंक्लूड वहां पे इन्वाइट किया गया है, जो कि वर्चुअली वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है G7 G6 के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है आज का एडिटोरियल, जो बात करता है MSMEs के बारे में, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं। ये होती क्या है, इसकी क्या कंडीशंस होती है, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये पुराने आर्टिकल को मैंने यहाँ पे उठा के डाला हुआ है, आप उसको क्लियरली देख सकते हो। माइक्रो इंडस्ट्री कौन सी होती है, स्मॉल कौन सी होती है, मीडियम कौन सी होती है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ होता है, जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ होती है, उसे बोलते हैं मीडियम। जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होती है, टर्नओवर 5 करोड़ होता है, उनको बोलते हैं माइक्रो, और बीच वाली हो गई आपकी स्मॉल। तो ये कुछ कुछ चीजें हो गई, ठीक है। और MSME जो मिनिस्ट्री है उसने टारगेट सेट किया है कि 2025 तक हमारा 50% जो GDP है वो हम लोग यहां से लेके आएंगे, क्योंकि $5 trillion की इकोनॉमी हम लोगों को करनी है। इस समय जो है हमारे टोटल एक्सपोर्ट का इंडिया जितना भी करता है 45% जो है वो MSMEs के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा जनरेट होती है, ठीक है, 120 मिलियन से ज्यादा लोग MSMEs के अंदर इंडिया में इन्वॉल्व है। तो भैया टाटा बिरला अंबानी तो हजारों की संख्या में करते हैं, ये लोग लाखों करोड़ों की संख्या में एम्प्लॉयमेंट करते हैं। और सेम चीज चाइना में भी है, चाइना के अंदर भी और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट जनरेट करती हैं। तो ये जो छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज होती है ना, ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है।
टाटा बिरला अंबानी का सिर्फ नाम नाम है, रियल बैकबोन ये है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रियल बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर अगर होता है किसी बड़ी कंपनी का, ठीक है, और तो प्राइवेट ओन्ड जो कंपनी होती है उसको हम लोग इसके अंदर एमएसएमई के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। 11 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय एम्प्लॉयड है, कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, वो एक अलग बात है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो ये फेस करते हैं, पेंडेमिक तो सबसे बड़ा चैलेंज है ही, ऑफकोर्स लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सिस, मतलब ये बैंकिंग वगैरह की बात कर रहा है, क्रेडिट वगैरह इनको नहीं मिल पाता है। सप्लाई शॉक्स, जैसे अभी यूक्रेन वॉर हुआ है ना, सप्लाई शॉक हो गया, पैंडेमिक की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, वो सारी चीजें हैं। फ्यूल फ्यूड फर्टिलाइजर प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाती हैं, हाई डिग्री ऑफ इनफॉर्मैलिटी है ना, बहुत ज्यादा चीजें फॉर्मल सेक्टर में नहीं हो पाती हैं। जैसे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज वगैरह काम करते हैं उनके पास जो है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, या फिर प्रोविडेंट फंड वगैरह के अंदर वो लोग इंक्लूड नहीं होते, इनको इंश्योरेंस वगैरह सब नहीं होता, तो इनफॉर्मल सेक्टर काफी ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर किसी एमएसएमई के अंदर मान लो 15 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनमें से हो सकता है 5 एम्प्लॉय रेगुलर हों और 10 एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा गया हो, इस तरह की चीजें वहां पे होती हैं। और एमएसएमई क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं इंटरनेशनल कानून वगैरह में, तो उनको लेबर और एनवायरमेंट लॉज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि एमएसएमई के अंदर जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता, क्योंकि उनके अंदर जो लेबर लॉज हैं और एनवायरमेंटल लॉज हैं उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर मान के चलिए आप, अगर कोई अमेरिकन इन्वेस्टर अगर किसी स्मॉल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो वो तो पूरा जांच पड़ताल करेगा ना भैया, कि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसके लिए स्टैंडर्ड कैसे कैसे हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसी है, लेबर लॉज कैसे हैं, वर्कर्स की सेफ्टी कैसी है, वर्कर्स की हेल्थ कैसी है। लेकिन क्योंकि कंपनी छोटी होती हैं इसलिए इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं देती हैं, और इसी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ पाता है। कई सारे स्टेप लिए गए हैं सरकार के द्वारा, जैसे आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो है प्रायोरिटी दिया गया है एमएसएमई सेक्टर को, मेक इन इंडिया कैंपेन के अंदर तो खैर प्रायोरिटी मिला ही है, प्रोडक्शन लिंक इन इंसेंटिव स्कीम जो सरकार ने चलाई है उसके उसको भी यहाँ पे किया जाता है, और रिसेंटली हम लोगों ने जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम लॉन्च किया है, आप इसको जाके जरूर पढ़िए, इसके हम लोगों ने एमएसएमई को काफी ज्यादा वो किया है, पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है। बाकी जो यूनाइटेड जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे यूएनआईडीओ है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूएन वीमेन है ना, आईएफएडी वगैरह, ये लोग भी जो है एमएसएमई के साथ मिलकर इंडिया में काफी सारे प्रोग्राम चलाते हैं, तो ये इंटरनेशनल स्टेप भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा लिए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे अभी हमें काम करने की जरूरत है। जैसे एमएसएमई ने अभी तक जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन आजकल सारा जमाना भैया डिजिटल का ही है, तो डेफिनेटली इसको करना चाहिए, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, वर्चुअल रियलिटी को इंक्लूड कर सकते हो, ऑटोमेशन को इंक्लूड कर सकते हो, है ना, उन सारी चीजों को आप यहाँ पे इंक्लूड करिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सर्कुलर इकोनॉमी और कार्बन इकोनॉमी, इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट अगर करना है तो आपकी पॉलिसीज एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होनी जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द माइक्रो एंटरप्राइजेस, बेसिकली यहाँ पे स्टार्टअप्स की बात कर रहा है, तो स्टार्टअप के लिए भी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और ज्यादा उठाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए और अपने बिजनेस को सेटअप करें। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहा है कि देश में इतने सारे यंग लोग हैं, आप उनको स्किल प्रोवाइड करवाइए, एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाइए, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा एमएसएमईज के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। फॉर्मलाइज करने की जरूरत है अपने पूरे बिजनेस को, है ना, ताकि आपको बैंकिंग का क्रेडिट, आपको क्रेडिट मिल सके, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आपको मिल सके, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे करने की जरूरत है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा इस तरह से, यहां से हम लोग जो है मेंस के लिए आंसर भी लिख सकते हैं, और पहले भी हम लोगों ने लिखा है, ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज एमएसएमईज, ठीक है, एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया। उसे लिखोगे डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस सेक्टर, 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स, ठीक है, ये आपने यहां पे लिखना है। देखिए हमने यहां पे लिखा है डिस्कस द चैलेंजेस, लेकिन आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पे मेंशन करने पड़ते हैं, चाहे वो एग्जाम में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं।
अब ये भी लिख सकते हो MSMEs आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड अ लॉट नीड्स टू बी डन टू मेक इट मोर रोबस्ट. कमेंट 150 वर्ड्स 10 मार्क्स. ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बस अलग अलग है, कंटेंट इसका सेम रहने वाला है. आप पहले बताइए एमएसएमईज क्या होता है, उसका कंट्रीब्यूशन बताइए. तो इस कंट्रीब्यूशन के अलावा क्या कर सकते हो, कुछ फैक्ट्स बता सकते हो कि भैया इतना जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूट करता है, इतना एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करता है. फिर जो है नॉर्मली आप उसके चैलेंजेस डिस्कस कीजिए. आपके पास 5-6 चैलेंजेस आपके पास होंगे, एक दो को आप इलेबरेट करिए, एक दो को सिंपली मेंशन करके निकल जाइए. फिर आप जो है कुछ सजेशंस वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं. सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से पोटेंशियल इस क्वेश्चन के अंदर है. ठीक है, कल हम लोगों ने आपसे दो सवाल पूछे थे, तो पहले का जो आंसर हो जाता है वो जाता है बोथ 1 और 2. ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम लोगों ने आपसे सवाल पूछे थे. दूसरे का आंसर हमारा हो जाता है ओनली 1. The anti-defection law gives for the first time a clear-cut constitutional recognition to the existence of the political parties. है ना? तो political parties को सबसे पहली बार constitutional recognition मिला था anti-defection law. ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आप definitely यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो. और लक्ष्मीकांत के अंदर anti-defection law बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, उसको जाके भी आप जरूर पढ़ें, important topic है. आज का जो सवाल आपसे पूछा है तो उसका भी आंसर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद.